होली भारत के प्रमुख त्योहारों में शामिल होता है। फूलों और रंगों के इस त्योहार में खाने पीने के स्वादिष्ट पकवानों का भी खासा रोल होता है। साल भर लोग इस त्योहार का इंतजार करते हैं और फिर इस दिन की रौनक देखते ही बनती है। जब भी होली का जिक्र होता है तो ऐसे कई किस्से हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है। इन्हीं में से एक किस्सा है आरके स्टूडियोज का। होली का त्योहार फिल्मी हस्तियों को राज कपूर के आरके स्टूडियो की होली जरूर याद दिलाता है। कपूर खानदान जैसी होली आज तक ना किसी ने मनाई और ना शायद ही कोई मना पाएगा। होली के मौके पर आरके स्टूडियो में सितारों की महफिल सजती थी। बताया जाता है इस खास मौके पर फिल्म मेकर सुभाष घई भांग घोलते थे और सदी के महानायक हर मेहमान को गले लगाकर उनका स्वागत करते थे। उस दौर में आरके स्टूडियो की होली का हिस्सा रहे सितारे बताते हैं कि रंगों से भरे टैंक में हर किसी को बारी बारी से फेंका जाता था। कोई भी होली के रंग से बच नहीं पाता था। आरके स्टूडियो में तब एक बड़ा सा अस्थायी कुआं बना हुआ था जिसमें हर किसी को डुबकी लगाने पर मजबूर किया जाता था। कोई मना करता तो उसे चुपके से धक्का दे दिया जाता। पृथ्वीराज कपूर ने होली पर इस खास परंपरा की शुरुआत की थी जो राज कपूर तक चली। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरके स्टूडियो की होली का पूरी इंडस्ट्री को साल भर इंतजार रहता था। आरके स्टूडियो की होली महोत्सव का न्योता मिलना हर सितारे के लिए गर्व की बात होती थी। बताया जाता है कि उस दौर में इसी न्योते से किसी भी हस्ती की हैसियत का अंदाजा लगाया जाता था। यही वजह है कि आज भी लोग गर्व से बताते हैं कि उस दौर में वो भी आरके स्टूडियो की होली का हिस्सा हुआ करते थे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस खास मौके पर लगभग हर छोटा बड़ा सितारा एक ही छत के नीचे होता था। कई बार ये त्योहार एक्टर्स के लिए ऐसे ऐसे मौके लेकर आता था जो उन्हें फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर काट कर भी नहीं मिलते थे। उदाहरण के तौर पर बिग बी को ही ले लीजिए। सदी के महानायक की किस्मत भी तो आरके स्टूडियो ने ही बदली थी। दरअसल बिग बी बैक टू बैक 9 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। इसी बीच उनको आरके स्टूडियो की होली अटेंड करने का मौका मिला। यहाँ पर राज कपूर ने कहा कि आज कोई धमाल हो जाए, देखो कितने सारे लोग आए हैं, सब तुम्हारी प्रतिभा देख सकेंगे। उस वक्त पहली बार बिग बी ने अपनी आवाज में रंग भर से भीगे चुनर वाली गाया था। बिग बी का अंदाज सबको इतना पसंद आया कि सालों बाद यश चोपड़ा ने उस गाने को अपनी फिल्म सिलसिला में इस्तेमाल किया। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हर साल होने वाले इस आयोजन में दिवंगत अभिनेत्री नरगिस, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, दारा सिंह, राकेश रोशन, प्राण, प्रेमनाथ, राजेश खन्ना, बिग बी, अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और राखी जैसे सितारे शिरकत किया करते थे। आरके स्टूडियो और उसमें मनाई जाने वाली होली से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।